रह जाएगी। हम लोग नहीं ना कुछ नहीं बताएंगे। कौन बताएगा फिर? थाना प्रभारी से पूछिए। थाना प्रभारी कहाँ है? हम लोग इलाका में। आप यहाँ पर है ना दिया? बार बार यहाँ पे बोला जा रहा था कि हाँ केस की सुनवाई हो रही है। केस की सुनवाई बार बार हम आवता नहीं, रहुआ वह बोलता नहीं, तो हम कितना दिन इंतजार कर रहे तो रही का देख। ये पोता को समझे कि मार करके फेंक दिया गया था इनके घर के बगल में। कार्रवाई कर रहा हूँ, कब तक कर रहा हूँ ये पूछने के लिए आज हम पहुंचे हुए सिरसिया ओपी में। हम बाबा से मिलकर बात किए हैं। बाबा ये बताएं कि रुआ कब मेरे जाइल बनी? कई बार वही चाचा है, इनके पोता को समझे कि मार करके फेंक दिया गया था इनके घर के बगल में। ये घर था उसी पे। मैं कुछ बात करूंगा आपसे। आज इनको मैं देखा हूँ कि रास्ते से जा रहे थे और कुछ हम इनसे बोले हैं तो ये रोना चालू कर दिया। जब इनसे पता किया, बाबा जी ये बताइए कि ये जो सिरसिया ओपी है इसके अंदर आपने 4 महीना पहले आवेदन का FIR किया है, आपको क्या कहा जा रहा है? इसे 4 महीना दिन से हम दौड़ रहा बने सर, एक कोई कार्रवाई करी आ तो रउआ निश्चिंत रही, हम उसी में लागल बानी, वही कार्रवाई में लागल बानी। तो बार बार हम आवता नहीं, रउआ वह बोलता नहीं, तो हम कितना दिन इंतजार करत रही का देखत रही को आज तक कोई। बिहार का एक सबसे बड़ा समस्या है कि यहाँ पे खूनी खूनी कर देता है और बिहार छोड़कर कहीं अलग जगह भाग जाता है। यहाँ के पुलिस बोलती है कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, कब तक कर रहा हूँ ये पूछने के लिए आज हम पहुंचे हुए सिरसिया ओपी में। हम बाबा से मिलकर बात किए हैं। बाबा ये बताएं कि रुआ कब मेरे जाइल बनी? कई बार आयल बानी, 4-5-6 बार आयल बानी। और खाली क्या कह जाते रहो? ये कि रउआ नीचे रही, घरे रही, रउआ निश्चिंत रही, हम वही जांच में बानी, वही चेक में बानी। मैं अपने न्यूज के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अगर ये घटना अगर आपके बेटे के साथ होता है, अगर आपके पोते के साथ होता है तो आप क्या कीजिएगा? अगर उस जगह पे अगर आपको इसी तरह बोला जाए, भगाया जाए, तो आप कहाँ करेंगे? चले मैं वहाँ पे बात करता हूँ। इधर आइए, आवेदन वाला पत्र है ना आपके पास ही? हाँ ला लीजिए, इधर आइए सर, इधर हम दिखा रहे हैं। यही वो थाना जो 4 महीना पहले ये आप बाबा जी आवेदन दिए थे और खुद हम हैंडल करने वाले हैं। 2 बारीक से इनका वीडियो लिए हैं। बार बार यहाँ पे बोला जा रहा था कि हाँ केस की सुनवाई हो रही है, केस की सुनवाई हो रही है। 2 बार मैंने खुद इनका वीडियो बनाया है, इनका न्यूज लिया है, लेकिन आज तक 4 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। सर 4 महीना पहले इनका FIR दर्ज हुआ है यहाँ पर। FIR 28% जो होगा वही नहीं बताएंगे। नहीं तो इनको आप लोग कहा बोल रहे हैं कि आप कल आइए, परसों आइए, ऑर्डर हो जाएगा? हम लोग नहीं कुछ नहीं बताएंगे। कौन बताएगा फिर? थाना प्रभारी से पूछिए। थाना प्रभारी कहाँ है? हम लोग इलाका में। आप यहाँ पर है ना दिया अधिकारी? हम तो यहाँ पर है तो इलाके में निकले हुए हैं, तो हम इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। हम लोग कुछ नहीं, हम स्टाफ चौकीदार है। स्टाफ है, उनके बाद जो नंबर आता है वो किनका नंबर है? काजना साहब है, इधर आइए सर। क्या नाम होगा आपका? रमेश प्रसाद यादव। रमेश जी ये बताइए सर कि वो जो बाबा हमारे साथ वो उनका घर पड़ता है सर यहाँ में, 4 महीना पहले उनका मैंने न्यूज कवरेज किया था, 2 बार न्यूज कवरेज किया था कि उनके पोता को मार करके उनके घर के बगल में बिक दिया गया था। तो प्रणय जी बोल रहे थे कि मैं आज करूँगा कल करूँगा। मैंने समझे कि मैं सोचा कि हाँ इस केस को मतलब सॉल्व कर दिया गया होगा, लेकिन मैं आज इनकी हालत देखा हूँ। ये बार बार दौड़ रहे हैं, रो रहे हैं और बिलख रहे हैं, बोल रहे हैं कि आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, इस पर क्या करना चाहते हैं और बाबा को किस तरह न्याय मिलेगा? हमारे पास तो नहीं आया है बाबा, हम तो फर्स्ट डे इनको देख रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, कार्रवाई होगी कि नहीं? आप तो आए हैं ना। कार्रवाई होगी और न्याय मिलेगी कि नहीं? एकदम मिलेगा। अगर नहीं मिलेगी तो फिर हम आकर के आपसे सवाल पूछेंगे। ठीक है, पूछिएगा। कब आएंगे? थोड़ा डेट दे दीजिए इनको कि कब तक इनका कार्रवाई हो जाएगा। कब तक मतलब? अभी तुरंत जाएगा फोर्स। देखिए अभी बोल दिए हैं सर आपका काम होगा, अगर नहीं होगा तो फिर आकर के हम सर से पूछेंगे सवाल। और यहाँ के जो हमारे HO साहब है यानी कि प्रणय कुमार जी, उनसे मैं बार बार ये सवाल पूछूंगा और ये उनको याद दिलाऊंगा कि आज से 4 महीना पहले यहाँ करके यही न्यूज का कवरेज हमने ही किया था। मेरा नाम सूरज कुमार है और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज। नमस्कार, ऐसी खबर देखने के लिए भरे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।